अनुभव किया? कैसे कैसे अनुभव करा? साइलेंस का अनुभव किया या मन जा रहा था इधर उधर? नहीं, साइलेंस का कहाँ किया अनुभव? साइलेंस का परमधाम में सब गए, परमधाम सब पहुंचे। तो ये बार बार करना है ना, ये बार बार करना है। कितना सुंदर सत्य बाबा ने हमें, जिससे हम बिल्कुल भूले हुए थे, बताया तुम आत्मा सत्य हो, तुम्हारा सत्य स्वरूप क्या है, तुम्हारा अनादि स्वरूप क्या है, और फिर मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है। ये बहुत सुंदर सत्य। और उसके बाद ये सत्य कि ये जो दिख रहा है ना, ये जो अभी अभी भी इस सेकंड पे क्या दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है ना, क्या है ये? ये सत्य है कि ये ड्रामा है। ये सत्य है कि ये सब ड्रामा है। ये सब यहाँ पे पार्ट धारी अलग अलग रोल प्ले हो रहे हैं। हाँ, तो ये सत्य ये रखना बुद्धि में कि ये जो दिख रहा है सारा समय स्थूल नेत्रों से, ये ड्रामा है। ड्रामा है माना क्या है? हाँ, ड्रामा है माना कैसे है, सॉरी। हाँ, अपना अपना पार्ट है। हर एक जो हम शब्द सुनते हैं उसका अपना एक नेचर होता है, एक गुण होता है, जिसको हम कहें अपना एक धर्म होता है। आग का क्या है नेचर? जलाना है ना, लाइट देना, गर्मी देना। पानी का क्या नेचर है? शीतलता है। अपना उसका कोई महक नहीं है, रंग नहीं है। अभी ये पानी ऑस्ट्रेलिया का हो, कनाडा का हो, पानी का नेचर चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा। ऐसे ही ड्रामा का क्या नेचर है? बढ़ता हाँ, आगे। बढ़ता रहता है सेकंड बाय सेकंड। ओके, और देयर इज नो फॉल्ट ना। किसी भी ड्रामा में कोई फॉल्ट नहीं होती है ना। अगर कोई एक्शन का ड्रामा है ना, कोई कॉमेडी का ड्रामा है, तो वो जैसा है वो अपने में परफेक्ट है ना। अब देखने वाला किस चाहना से देख रहा है, उसको कोई कमी दिख सकती है, उसको बहुत सारा उसकी जो अपने इमेज है क्या होना चाहिए ना, उस हिसाब से ही उसे कुछ भी महसूस होता है। दुख और सुख का अनुभव किस आधार पर है? हाँ, अपना जो हम जिस एक्सपेक्टेशन से देख रहे हैं, 100% 100% दुख का अनुभव और 100% दुख का अनुभव का कारण वो क्या है? परिस्थिति कैसी भी हो, सीन कुछ भी हो, बोला क्या है, वो क्या बोला है, कैसे बोला है, कितना बोला है, कितना किया है, वो कैसा भी हो, यहाँ पे दुख का एक्सपीरियंस का कारण 100% दुख का जो अनुभव, 1% भी उधर से कारण नहीं है, 1% भी है ना। 100% क्या है यहाँ से? एक्सपेक्टेशन।
100%। जो इस बात को समझ लेता है, जो इस बात को सच में एक्सेप्ट करता है या अनुभव करता है कि एवरी टाइम, एक बार भी यहाँ पे हलचल है, एक बार भी यहाँ पे हलचल है, अभी हमारे पास इतना सुंदर नॉलेज है, तो क्या करते हैं उस हलचल को हटाने के लिए बहुत सारा फुल स्टॉप लगा, ये लगा, हाँ इतना उसका कोशिश करना, एक बार भी ना एकदम अपने सत्य में आकर, अपने सत्य में क्या, सत्य से में आकर जब हम देखते हैं तो क्या अनुभव होगा कि ये पूरी जो हलचल है, इस हलचल का प्रभाव जो शरीर पर भी पड़ रहा है, पूरा सिर्फ एक यहाँ पे कुछ एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे। एक्सपेक्टेशन कैसे होती है, एक्सपेक्टेशन कैसे होती है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अभी जो प्रेजेंट टाइम है, जो हम कहते हैं संगम युग, संगम युग माना फाइनल एपिसोड, ड्रामा का एक तरीके से फाइनल एपिसोड, और हम सब का भी एक रीति से लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट। तो अभी हम इस पार्ट के रीति से ही बात करेंगे, पीछे से रिलेटेड, पीछे के जो पार्ट्स हुए उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो इसको हम लेंगे बाद में, लेकिन अभी जो ये पार्ट है, पीछे पीछे क्या क्या संस्कार और क्या क्या सोच समझ से, अभी ये प्रेजेंट पार्ट है ना, प्रेजेंट। हम किसी का भी नाम ले लेते हैं, आपका भी नाम ले, ये जो चांदनी जो एक पार्ट है ना, ये एक पार्ट है, इसका अपना, हाँ, चांदनी का एक देखने का नजरिया है ना, उसका एक अपना देखने का नजरिया है, उस रोल का, उस पार्ट का, उस किरदार का, ठीक है, उसकी एक शरीर है, उसके एक आयु है, एक पूरा कहानी है, जब से पहले दिन, जब से जन्म लिया तब से लेकर इस क्षण तक एक कहानी है उसका, चांदनी की एक अपनी कहानी है, ठीक है, और उसका कुछ उसको अपसंद है, चांदनी के हिसाब से कुछ अच्छा है तो वो उसको पसंद है, उसको जो अच्छा नहीं, ना पसंद है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उसको कुछ पसंद है, कुछ नहीं पसंद है ना, हर एक जो पार्ट है, हर एक जो रोल है, उसके जो सीमित दृष्टिकोण है, उससे उसके लिए कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, ऐसा है। अब बाबा हमें रियलाइज कराते हैं, है ना, नॉलेज देते हैं, और फिर तुम इसको रियलाइज करो, हर एक आत्मा इसको रियलाइज करे, ये जो मेरा दृष्टिकोण है मुझ आत्मा का, और ये जो इस पार्ट का, इस किरदार का जो दृष्टिकोण है, ये कितना सीमित है, इसकी पसंद नापसंद कितना सीमित है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, आत्मा क्योंकि इतने समय से सोई हुई, बुद्धि का भटकाव हुआ, बुद्धि द्वापर युग से क्या हुआ कि बुद्धि ने ये समझा कि ये जो दिख रहा है, ये जो यहाँ पे 2400 घंटे जो आंखों से दिख रहा है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा सत्य है ना, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा कौन परिवार है, वो सब कुछ ड्रामा में वो वैसे ही था, ड्रामा अनुसार ऐसे ही होना था, तो वो वैसे हर एक का पार्ट चला, तो इससे क्या हुआ कि अब हर एक आत्मा ने, सोई हुई आत्मा ने, जैसे अभी थोड़ा सोई हुई है विस्मृति की स्टेज में, वो एक क्या बनाती है, एक तस्वीर बनाती है कि मैं कौन हूं और मैं कैसी हूं, है ना, तो वो कौन हूं कैसी हूं किस आधार पे है, सिर्फ और सिर्फ इस हद के पार्ट के आधार पे है ना, मैं ऐसी हूं, मैं बहुत डिसिप्लिन वाली हूँ, मुझे तो टाइम से बहुत पसंद है, सफाई तो मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल भी कूड़ा मैं नहीं देख सकती, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, पार्ट के आधार पे एक एक इमेज बनाई, ठीक है, उस इमेज को बिल्कुल सेट किया कि मैं ये हूँ, ठीक है,
तो जैसे ही मैंने सेट किया पार्ट के आधार पे कि ये इमेज मैं हूं, तो अब मेरा हर सेकंड किस में जा रहा है, इस इमेज से अटैच होके, इसका सब कुछ अपनी पहचान मान के, एक एक सेकंड। अब मैं ऐसी हूं तो मुझे ये पसंद है, मुझे सफाई बहुत पसंद है, तो हर एक को सफाई रखनी चाहिए, कोई गंदगी ना करे, तो जो गंदगी करता है वो मुझे नहीं पसंद है ना, जो साफ सफाई नहीं रखता उनसे मुझे बात करना नहीं ठीक लगता। सुबह सुबह ऐसे ही उठ के खाना खा रहे हैं, अभी कुछ नहाए भी नहीं। तो जितना ये जो इमेज बनाई है और इस इमेज से पहचान बनाकर, एक एक सेकंड किस में जाता है, बिल्कुल बुद्धि, क्योंकि आत्मा विस्मृत है, सोई हुई है, और बुद्धि इतनी स्थूल हो गई है, मोटी बुद्धि, स्थूल बुद्धि मतलब बहुत मोटी बुद्धि, तो उस मोटी बुद्धि के लिए इस इमेज के प्रति हर सेकंड में ये रहता है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था ना, तो हर सेकंड क्या है, कुछ पसंद आएगा कुछ नहीं पसंद आएगा, क्योंकि ड्रामा तो सेकंड सेकंड बदल रहा है। अभी अनन्या को ये पसंद है, ये नहीं पसंद, ये हो गया, ये क्यों नहीं हुआ, है ना, तो हर बार ये पसंद है, वो भी एक दिन हो गया, अगले दिन नहीं हुआ, नहीं होने का फिर दुख है ना, और वैसे ही जो नहीं पसंद है वो हो गया तो उसमें फिर दुख है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से इस पार्ट में जो भी है, इसको जितना मैंने इससे अपनी पहचान बनाई है, उतना मन में, उतने ही सारे मन में शोर है, आवाज है, ठीक है, क्योंकि एक अंदर में है कि मुझे सफाई बहुत पसंद है, एक अंदर में है कि मुझे मैं सिर्फ सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती, एक ये है मुझे झूठ बोलने, जब भी ये है ना कि पार्ट के आधार पे किसी भी चीज से, एक है कि ये इसका नेचर है, हर एक पार्ट का भी, एक जैसे कहा ना, हर एक का अपना एक नेचर है, तो हर एक पार्ट में भी अपना एक नेचर है, ठीक है, जब आत्मा जगी हुई है तो वो नेचर वो कल्याण के रीति से यूज होगा बाबा के कार्य में, जिसको कहते हैं विशेषताएं। लेकिन अगर मैं हर जो भी इस पार्ट में मिला है उससे जैसे पहचान बनाए, तो हमेशा ये पसंद ये नहीं पसंद, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसे चलता रहता है, और नेचुरली क्या होता है कि ये मैं ऐसी हूं, तो जैसे ही मैं ऐसी हूं की स्मृति है, तो जो मैं बोला कि मुझे झूठ नहीं बोल सकती मैं, तो नेचुरली जो झूठ बोलता है वो मेरी नजर में मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ना, हाँ, इस पार्ट के दृष्टिकोण से देखा तो ये नहीं, हाँ, कैसे हैं क्या है, तो इसमें जितना ज्यादा आत्मा हंसी हुई है, हाँ, तो उतना ज्यादा क्या हो रहा है, मन का शोर उतना ज्यादा है, क्योंकि अंदर में इतनी सारी पहचान है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ ना, मैं तो ऐसी ही हूँ, इतना सारा है कि वो कभी ये बोलता है कभी ये बोलता है, कभी सब दो तीन साथ में बोलते हैं, तो ये सारा है, और बाबा ने कहा कि विशेष गिफ्ट है, विशेष शक्ति है, साइलेंस, साइलेंस की शक्ति, वो विशेष शक्ति है आत्मा के लिए। अब इस शक्ति को कैसे यूज करते हैं, इस शक्ति को कैसे इमर्ज करते हैं, बिल्कुल अच्छे से अनुभव करके, अनुभूति से हम इसको समझें कि एक है कि हमने अभी सुना और हम जानते भी हैं, ये कोई वो बात नहीं है, ये हम सब जानते हैं, ड्रामा का नेचर क्या है ये हम सब जानते हैं, कहा कि परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील है, एक भी सेकंड पहले के किसी भी सेकंड के सेम नहीं है, एक सेकंड भी पहले जैसा नहीं हो सकता, हर बार
चेंज हो रहा है और न्यू हो रहा है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जितना इस इमेज से अटैचमेंट है, जितना इस इमेज से मोह है, तो बस यही है कि कुछ भी बदले नहीं, आप भी मत बदलो, आप भी वैसे ही रहना, 50 साल वैसे ही रहना। आप बदल गए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप बदल गए 2 महीने, ये सब इतना इतना पसंद है कि जैसे जैसे हैं, बचपन से शरीर का जैसे बालों का रंग है, 50 साल भी हो जाएंगे वही रंग रहे, तो फिर उसको रंग करने के लिए फिर कैसे भी, जो वैसा जिस इमेज से मैंने पहचान बनाई वो वैसी ही रहे, वो अच्छा नहीं लगता है कैसे बदल रहा है, अरे काले का सफेद कैसे हो सकता है। तो अंदर में नहीं बदले नहीं बदले नहीं इसको, तो कैसे जितना ज्यादा अटैचमेंट है तो नेचुरली जो एक पूरा ड्रामा का एक गुण ही है, बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, और ऐसा परिवर्तन होता है कि पहले किसी भी सेकंड से सेम भी नहीं हो सकता। तो मन तो यही कहानियां रचता रहता है, पिछली बार ऐसे हुआ था फिर से ऐसे ना हो जाए। तो इसको ये हमने सुना, बाबा ने ये सत्य बताया, ड्रामा का ये नेचर बनाया बताया, हम इसको 1 सेकंड में भी अनुभव कर सकते हैं, अनुभव करते हैं ना, अनुभव से जब हम इस चीज को रियलाइज कर लेते हैं तो वो बार बार तंग नहीं होंगे। इसको अनुभव से करके देखिए कि हम दूसरे के लिए चाह सकते हैं कि आप नहीं बदलो, हम खुद कैसे बदलते ही रहते हैं, हम पार्ट में कितना है वो चेंज होता ही रहता है, किसी को हम कितना भी हमारा इंटेंशन हो कि इतना भी अच्छा इंटेंशन हो कि हमने किसी को वादा किया है, कई बार क्या होता है पार्ट अनुसार ड्रामा अनुसार वो नहीं हो पा रहा, तो इन सब चीजों से कहा कि साइलेंस की जो शक्ति है उसमें कभी भी किसी कार्य का, किसी भी सीन का, किसी चीज का बोझ नहीं अनुभव होगा, बोझ नहीं अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि पता है कि ये ड्रामा चल रहा है ना, और पता होना एक चीज है ना, पता है सबको पता है कि ड्रामा है, मगर इसका अनुभव करना, इसका अनुभव करना कि ये वास्तव में अभी भी जो चल रहा है, अभी भी जो चित्र सब हम देख रहे हैं, इतने अलग अलग एज और सब कुछ जो इतना डिफरेंस लग रहा है, सिर्फ ड्रामा का एक सीन है ना, इस सेकंड भी बोलने वाला जो बोल रहा है एक सिर्फ एक सीन है, और हम आत्माओं का जो स्वरूप है, हम आत्माओं का जो गुण है वो इससे भिन्न है। ये जो इसका जो दृष्टिकोण है, इसको क्या पसंद है, इसको क्या नहीं पसंद है, इसके लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आत्मा का नेचर इससे बिल्कुल अलग है। तो पहले इसको अनुभव करना ना, अनुभव करना, इसको रियलाइज करना, ये कैसे होगा, रियलाइजेशन अनुभव कैसे होगा, बार बार बीच बीच में समय निकाल कर, बार बार बीच में समय निकाल कर, जैसे हम कहते हैं ना कि एक साइंस में भी कभी कोई रिसर्च होती है लैब में ना, और वैसे भी हर जगह भी एक अगर कोई दवाई बनानी होती है ना, तो पहले एक कोई बैक्टीरिया है कुछ है, हाँ, जो कि हमें पता चला है कि इससे ये एंटीबायोटिक बन सकती है, तो उसके लिए क्या क्रिएट करते हैं, एक उसका अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, उस इन्वायरमेंट में उसको रखेंगे ना, या वो पेट्री डिश में एक को रखते हैं, और फिर वो उसी इन्वायरमेंट में, उसी वातावरण में वो बढ़ता जाएगा। तो हर एक के लिए एक इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है, उसको हमें अगर ग्रो करना है उसी चीज को, उसको बढ़ाना है, तो उसको अपने जैसा, ऐसा कह देते हैं टेम्परेचर होना जरूरी है ना, जैसे कि मुर्गी के लिए भी क्या होता है, अंडा उसके लिए एक हमें राइट टेम्परेचर चाहिए ना, ऐसे ही नहीं वो बच्चा हो जाएगा, हाँ एक टेम्परेचर, इसलिए वो उसको गर्म करती है कितना समय, एक राइट एनवायरनमेंट मिलता है उस अंडे को, और फिर धीरे से। तो ऐसे ही आत्मा के लिए सबसे सही
सही वातावरण इन्वायरमेंट कहाँ है आत्मा की होश आने के लिए और होश में ज्यादा से ज्यादा समय रहने के लिए। और एक्चुअली अब तो सोने का टाइम ही नहीं है, है ना? अब तो सोने का टाइम नहीं, अब तो हमेशा जागृत, हमेशा होश में। तो ये आत्मा के लिए इन्वायरमेंट कहाँ है ये? साइलेंस। और कहाँ है ये इन्वायरमेंट इसके लिए, ये वातावरण कहाँ है? सेंटर सेंटर पे। में बाबा हाँ, से जुड़ना तो बाबा से जुड़ना। बाबा से कहाँ जुड़ना? मधुबन बन में जुड़ना। हाँ, आत्मा का जो घर है परम धाम, वो आत्मा को पूरा होश में लाने का बिल्कुल राइट, सही तापमान, सही जगह, सब कुछ सही है वहां पे आत्मा के लिए। वहां पे उसको होश में आने का एकदम सही तापमान है, सही हर चीज बिल्कुल राइट है, परफेक्ट परफेक्ट वातावरण। ठीक है, उस वातावरण में होके पहले तो उसका अनुभव। हाँ, ड्रिल माना परम धाम का अनुभव, बाबा के साथ मैं आत्मा हूँ और परम धाम में, परम धाम में हूँ, ये मेरा घर है, इसका अनुभव, एक्सपीरियंस ना, एक्सपीरियंस। पहले पहले क्या होगा कि सिर्फ एक मन जो है उसने कुछ सुन लिया है, परम धाम ऐसा है वैसा है, वो अपना बोलेगा, उसको बस बोल दिया। लेकिन ये मनन चिंतन, अंदर में संकल्पों को यूज करना, इससे भी ऊपर है सिर्फ अनुभव, सिर्फ फीलिंग ना। फीलिंग भी राइट वर्ड नहीं है, लेकिन सिर्फ अनुभव ना, सिर्फ हम उस चीज में हैं। तो इसके लिए क्या है कि वो बार 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 उसमें आना। तो ऐसा नहीं कि बस एक कमेंट्री है अंदर में कि मैं यहाँ हूँ, ये है वो है। हाँ, उससे कुछ नहीं होता है। हाँ, वो बार बार उसको संकल्प को दौड़ाने से कुछ नहीं, क्योंकि अंदर में वो सोई हुई है आत्मा, होश में नहीं है। तो होश में ला के जैसे कहा कि बार बार इसको अनुभव, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, है ना, इस गोल्डन साइलेंस, गोल्डन साइलेंस, गोल्डन घर को, इस गोल्डन साथी को 2 मिनट के लिए, बिल्कुल तो कंप्लीट अनुभव। 2 मिनट के अनुभव में क्या क्या होना चाहिए, है ना? कैसा होता है दो जो साइलेंस का अनुभव है, कि इसमें इस पार्ट का, इस किरदार का कुछ भी वहां नहीं जा सकता, एक इसकी एक बात भी वहां नहीं जा सकती कि बाबा के पास जाके रोएंगे, ये हो गया वो, कुछ भी नहीं। ड्रामा का कुछ नहीं जाएगा, ड्रामा का कुछ भी घर में, परम धाम में कुछ भी नहीं। मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ, है ना, मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ और बस हम हैं। जब 2017 में, है ना, रमेश भाई ने आत्मा ने शरीर छोड़ा, उस वो पार्ट एंड हुआ रमेश भाई का, है ना, तो उन्होंने, उनका जो भोग संदेश आया था, तो उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, जो भी संदेश ही गई थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, बस बाबा ही है, कुछ है ही नहीं ना, बस बाबा ही है। तो उन्होंने 3 बार से बोला, बस बाबा बाबा बाबा, कुछ है ही नहीं, संसार ही बस आत्मा के लिए ये है। सो अब इसमें हम, इसका कुछ भी नहीं, इसका कुछ स्वार्थ चल रहा है, धीरे धीरे जा रहा है परम धाम की, ये ज्ञान में आ जाए, है ना, इसका मार्क्स आ जाए अच्छे, ये 2 मिनट के इसमें बिल्कुल शुद्ध, शुद्ध कहेंगे हम उसको, है ना, शुद्धता। जैसे क्या बोलते हैं ना कि अमृत का एक, दूध का एक वो है, हाँ, कटोरा है, उसमें एक बाल है ना, कहेंगे क्या हो गया, एक ही तो बाल है, साइड का पी जाओ सारा, है ना, एक मच्छर गिर गया है, एक उसमें कोई कीड़ा गिर गया है, मिठाई में, सब्जी में, कोई बात नहीं, बाकी तो साफ है, वो खा लो। तो ऐसे ऐसा नहीं होता ना, तो ऐसे ही हम, सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा सा इसका फिर भी बाबा ये हो जाए, ये नहीं हो जाए। हाँ, परम धाम में आत्मा और बाबा, कहानी ड्रामा जो बना बनाया, उसका एक भी बात नहीं है। तो
अब उसकी कोई बात नहीं है तो क्या बचा फिर? अच्छा साइलेंस बचा माना, साइलेंस का अनुभव ना, साइलेंस का अनुभव। जब हम साइलेंस के अनुभव में हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, जब मैं अपने, मान लीजिए कि एक मूवी चल रही है और मुझे होश ही नहीं है कि मूवी चल रही है ना, मूवी चल रही है तो मुझे होश ही नहीं है, उसको देख रहे हैं लेकिन पूरा उधर ही वैसे ही रोना, वैसे ही गुस्सा आ रहा है, वैसे ही आंखें, वैसे ही मुंह, सब कुछ, होश ही बुलाया नहीं है कि मूवी हुआ चल रही है, तो सब कुछ बिल्कुल उसमें डूबे हुए हैं। तो जैसे ही मैं अनुभव करती हूँ कि अच्छा मूवी पर्दे पे चल रही है, अच्छा मैं इससे अलग हूँ, मैं तो सोफे पे यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे हाथ में तो यहाँ पॉपकॉर्न है, यहाँ तो खाना रखा है, अच्छा ये पर्दे पे चल रही है, तो क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है कि क्या हो रहा है। तो पहले पहले जैसे साइलेंस का जो अनुभव है, पहले पहले मन में क्या चलता है ना, मन में कौन कौन से शोर हैं, वो स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट हम उसको जान सकते हैं ना। तो कई उससे तंग होने लगते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम तो और बाबा को याद कर रहे हैं, तो और ही हलचल आ रही है, हलचल आ नहीं रही है, हलचल जा रही है, ये ना हलचल आ नहीं रही है, ये जा रही है। ठीक है, तो जितना मैं अपने अनुभव में हूँ तो मैं क्या चीज नहीं हूं, है ना, उससे जैसे एक सेपरेशन, एक हाँ एक डिस्टेंस क्रिएट होता है, एक उसमें बीच में गैप आता है, तो वो स्पष्ट दिखाई देता है और उससे फिर कोई उलझन नहीं है। जैसे बच्चे को ना हमने पूरे टाइम चिपकाया हुआ है, तो अनुभव ही नहीं है कि ये बच्चा अलग है और मैं अलग हूँ, फिर जब उसको रख दिया है, वो अपना काम कर रहा है, अपना खेल रहा है और हम उसको देख रहे हैं, तो ये स्पष्ट पता है कि अच्छा मैं यहाँ पे बैठी हूँ, हाँ उसको, वो गिर गया, उसको लग गई, तो मैं यहाँ से मदद कर सकती हूँ, हाँ क्योंकि अब वो अलग है, मैं अलग हूँ। तो ऐसे ही साइलेंस के अनुभव में ना, साइलेंस के अनुभव में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा देर ना मन भी उसमें सहयोग दे, लेकिन वो जब तक आत्मा शरीर में है तो पार्ट तो बजना है, पार्ट बजना ही है, लास्ट सेकेंड तक जब तक आत्मा शरीर ना छोड़े पार्ट बजना है। तो मतलब मन का, मन के जो गाने हैं वो प्ले होने हैं, ठीक है, गाने उसके प्ले होने हैं। अभी बाबा का डायरेक्शन है कि सतो प्रधान बनो, सतो प्रधान, अभी जो गाने बजते हैं मन में, क्योंकि आत्मा ने पूरी पहचान बनाई हुई है इस पार्ट से, ड्रामा जो बना बनाया चल रहा है उसके एक रोल से पूरी पहचान ली हुई है कि ये मैं हूं, तो जो सारे गाने बजते हैं है ना, इस मैं के आधार से जो गाने बजते हैं मन में, उनको बोलते हैं तमो प्रधान। वो तमो प्रधान गाने क्यों, क्योंकि अब ये मैं हूं है ना, तो इसमें क्या होगा, एक्सपेक्टेशन भी होगी, वो पूरी नहीं हुई तो दुख भी होगा, फिर क्रोध भी होगा है ना, फिर बहुत सारा, बहुत सारी उसमें ऊर्जा, ऊर्जा मिक्स है ना। तो अब जैसे जैसे मैं अपने साइलेंस के अनुभव में, जितना जितना मैं इस साइलेंस के अनुभव को बढ़ाती हूँ, साइलेंस के अनुभव, बाबा के साथ मैं बैठी हूँ और ये दूर चल रहा, हाँ टीवी पे दूर चल रहा ये दिख रहा है, तो अब जो वो अंदर में जो पहचान है कि मैं ये हूं, मैं ये हूँ, ये 2 मिनट के लिए भी इसको कट किया कि मैं ये हूँ, 2 मिनट के लिए भी कट किया, तो उन 2 मिनट में भी अपना अनुभव होता है ना, अपना स्पष्ट अनुभव कि मैं कौन हूँ और ये बिल्कुल अलग, वो मन को बल देता है ना, बुद्धि को इतना स्थूल से सूक्ष्म बनाता है। तो जैसे जैसे बुद्धि सूक्ष्म हो रही है, जैसे जैसे मनोबल बढ़ रहा है ना, जैसे बुद्धि सूक्ष्म मनोबल बढ़ता है, सो मन में फिर ना, मन में फिर आत्मा का जो साइलेंस है वो मन में भी मौन का रूप आने लगता है ना, तुरंत नहीं, ऐसे नहीं कि एक ही उसमें,
नहीं, धीरे धीरे जो स्क्रिप्ट है वो तमो प्रधान से, मन के जो गाने हैं अलग तरीके से, जो मैं था, बुद्धि सूक्ष्म हो रही है, बोझ हट रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बोलना है, आज सेंटर पे सेवा है, भागो दौड़, पार्ट का पार्ट चलेगा, है ना। तो हर एक चीज जो होनी है उसके लिए एक नेचुरल स्मृति आ जाती है, एक शब्द पार्ट, है ना, पार्ट जो है वो बजेगा, पार्ट ही बजना है। तो बुद्धि सूक्ष्म हुई, मनोबल बढ़ा, गाने जो है तमो प्रधान से सत्व प्रधान ना, और ये मन बुद्धि पूरा मन आत्मा को पूरा सहयोग देते हैं। अभी जैसे मन और बुद्धि में कितना मिक्सचर है ना, स्थूल भी है सूक्ष्म भी है, मन में तमाम तरीके का एक्सपेक्टेशन भी है, फिर 2 मिनट नहीं मुझे कुछ नहीं करना, फिर उसके बाद मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मुझे दुख नहीं देना, दुख नहीं देना, फिर दे दिया, फिर पश्चात, ये सब बहुत कुछ क्या है, बहुत कुछ विकल्प है, संकल्प है, फिर इसका मनन, फिर उसका चिंतन, फिर बहुत बहुत सारा एनर्जीज है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा इससे अलग होके अपने सत्य के अनुभव में नहीं आ रही है। आए जितना ज्यादा इसको इसको करते हैं, जितना ज्यादा बाबा ने कहा विशेष, ये सभी के लिए ये सूचना है कि बार बार ड्रिल ना, बार बार आत्मा परम धाम में ये ड्रिल, बाबा के साथ है, अपने घर में है ना, मेरे पास मेरा घर है, मेरा मेरा परिवार है, मेरा साथी है ना, बस बाबा और मैं हूँ, ये संसार है, और ये ही ना, जैसे बोलते हैं ना, तीन लोक हैं, है ना, तीन लोक हैं, ये दुनिया ये दुनिया ये दुनिया, वो अच्छा है, हाँ 7 दिन के लिए अच्छा है वो उसको समझना, मगर एक ही दुनिया है, एक ही है, एक ही है, वही मेरा घर है, इसमें इतना वो भी है, फिर ये भी है, फिर ये भी है, हाँ इस आत्मा के लिए मेरा एक ही घर है, एक ही दुनिया है, एक ही संसार है ना, कि इसमें और उसमें मुझे बैलेंस, एक ही संसार है, एक ही मेरा घर है, एक ही मेरी दुनिया है ना, वहां यहां से मैं अवतार बन के नीचे जाती हूँ, जो रोल प्ले है वो पार्ट बजाने ना, तो ये मेरी दुनिया, तो अपना जो है ना, अपना जो बाबा का है वो मेरा है, इसको अनुभव के साथ इसको पक्का करना है ना, पक्का करते जाना है ना? क्योंकि सिर्फ हमने इसको सुन लिया, रोज सुन लिया और फिर उसपे नोट्स बनाए और फिर उसपे मनन चिंतन किया और फिर समझ भी आया, मगर सिचुएशन आएगी, हाँ सिचुएशन जैसी आ रही है वही पहचान बोल रही है, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं हो, अनुभव करने से हाँ वो जो मनन चिंतन करते हैं, जो रोज सुनते हैं, वो सहयोग देंगे देगा ना, लेकिन सिर्फ इतना ही किया और अनुभव के लिए समय नहीं, ड्रिल नहीं किया, बार बार नहीं किया, तो वो सब क्या होता है, सच में धरा रह जाता है, है ना, वो रखा रह जाता है, तो इसीलिए वो जो आप घर का जो साइलेंस है उसमें आना, और उसमें ये हमको स्पष्ट रीति से ये भी पता हो कि मन के गाने वो चलेंगे, पार्ट क्योंकि चलेगा ना, पार्ट अभी चल रहा है तो मन के गाने चलेंगे, मन के संकल्प आ सकते हैं, आएंगे, चलते रहेंगे, लेकिन अब आत्मा को उसका कोई बोझ नहीं है, कोई बोझ नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मैं कौन का अनुभव है तो उसका बोझ नहीं है ना, ये नहीं लगेगा कि मुझे जाके ये करना है ना, मुझे जाके ये आज ये इतना बड़ा निर्णय लेना है, इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन बनानी है, इतना सारा ये मुझे करना है, नहीं। तो जैसे जैसे मन से जितना, आत्मा ने जितना इस पार्ट से पहचान बनाई है, जितना अटैचमेंट है इस पार्ट में, एक एक घटना जो घट रही है उससे जितनी ज्यादा पहचान है उतना ज्यादा कर्तापन का भान है,
ना, मैं मेरा मुझे करना मुझे, उतना ज्यादा करता था। और सत्युग में क्या है, कर्म अकर्म है, तो कर्तापन का वो जितना भी भान है, वो जितना आत्मा इससे, जितना जितना हम अपने स्वरूप में आ रहे हैं और ड्रामा, ये सत्य समझ में आता जाता है, ये ड्रामा ही है ना? अनुभव से, बोलने से, पॉइंट्स लिखने से, अनुभव से ये ड्रामा चल रहा है ना? ड्रामा ही है, और हर एक पार्ट जो है वो भी उसका हिस्सा है, उस ड्रामा का हिस्सा है हर एक पार्ट। तो ये बात अनुभव से समझते जाते हैं, इसको अनुभव करते जाते हैं, तो मुझे मैं मेरा ये गीत मन से खत्म हो जाते हैं। और इसीलिए फिर मन का मौन इसको कहा, कि फिर जो नेसेसरी है, जो करना है, बस वो संकल्प आया और किया, तो ओवर नहीं चलता फिर, ओवर नहीं चलता है। तो इसके लिए कैसे करेंगे ड्रिल, क्या सोचा है? साइलेंस कितनी बार करेंगे? हुआ नहीं, एक, हाँ, हर घंटे में एक बार करेंगे बहुत ही बढ़िया है। सर। हाँ, कौन कौन सच में कर सकता है, सचमुच में, है ना? ऐसे सचमुच में एक घंटे में एक बार कौन कर सकता है? हाँ, 7 बजे से रात के 9 बजे तक एक बार। हाँ चलो, कौन कौन 2 घंटे में एक बार कर सकता है? सचमुच जो कर सकते हैं ना, वो ही। ऐसा नहीं कि कोई कह रहा था पीछे कि जिस दिन 1 जनवरी और मंडे और न्यू ईयर सब ये साथ में होता है, उस टाइम पे मैं जो रेजोल्यूशन बनाती हूँ वो मैं फॉलो करती हूँ, और अगर मंडे नहीं गिर रहा है 1 जनवरी को, तो मैं कुछ नहीं, है ना? सब कुछ मिल जाए तो फिर मेरा, तो ऐसा नहीं कि बस ये न्यू ईयर है और पहला दिन है, 1 जनवरी है, तो फिर सारा जोश है। नहीं, सचमुच में क्या कर सकते हैं, 2 घंटे में एक बार कर सकते हैं, 2 मिनट के लिए कर सकते हैं, है ना? 3 मिनट के लिए कर सकते हैं, या पाठ में जो कोई कर्म है, पानी पीने का कर्म है, भोजन खाने का कर्म है, उसके साथ इसको जोड़ सकते हैं, इस ड्रिल को, है ना? और ड्रिल कैसी होनी चाहिए? शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध ना? ये इसको इसको समझेंगे, शुद्ध। हाँ, इसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। किसकी नहीं होनी चाहिए मिलावट? बातों हाँ? बातों की, है ना? बातों माना ड्रामा की, ठीक है? ड्रामा का कुछ भी, मेरे घर में इसको, घर में बच्चा जाए और उसको पूरा मूवी, पूरा थिएटर का सब कुछ अपना लेकर आए, तो नहीं, दो अलग चीज है। खेल के समय पे खेल है, घर के समय पे घर है, घर के टाइम पे हम घर का चीज कर रहे हैं, तो ऐसा मिक्स नहीं। इसी को बोलते हैं ना व्यभिचारी, अव्यभिचारी, है ना? उसमें मिलावट नहीं, अब प्योर शुद्ध अमृत। सो अभी इसको पक्का करेंगे कि कितनी बार करना है ना? शुद्धता से, बिल्कुल शुद्धता से इसको, गोल्डन साइलेंस, गोल्डन साथी, गोल्डन 2 मिनट 3 मिनट इसका अनुभव, अनुभव से कैसे कैसे अपने आप मन में सत्वप्रधान पाठ इमर्ज होगा, ठीक है? और हर एक आत्मा का तमो प्रधान पाठ के बाद कौन सा आना है, वैसे भी कौन सा पाठ आना है? सतयुग का माना सत्वप्रधानता का। और जो आत्माएं घर जाएंगी उनका कौन सा पार्ट होगा फिर शुरू? हाँ, साइलेंस में वो रहेंगी, लेकिन जब वो आएंगी तो कौन सा पार्ट शुरू होगा? हाँ, जब आत्माएं जो यहाँ पे हैं, हाँ, वो आत्माएं घर जाएंगी और फिर उनका सत्वप्रधान पार्ट शुरू होगा, ठीक है? और जो आत्माएं घर में ही रहेंगी थोड़े समय, वो जब सृष्टि पर आएंगी उनका कौन सा पार्ट शुरू होगा? उनका भी सत्वप्रधान पार्ट शुरू होगा। तो इसका मतलब घर जाने से पहले, घर हम सबको साथ में जाना है, सब आत्माओं को साथ में घर जाना है, सभी आत्माओं का घर जाने से पहले कौन सा पार्ट आएगा?
तमो प्रधान ही चलता रहेगा एंड तक, लास्ट सेकंड तक। सत्व प्रधान आएगा, हर एक का आएगा। धर्म आत्माएं हो, संत आत्माएं हो, सब अपना वर्षा लेके, वो सीडी एक गाना बजेगा सत्व प्रधान, एक गाना बजता है मेरा बाबा ये सत्य है, और सीडी बंद और घर। ठीक है, फिर जब वो खुलेगी तो वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये भी अनुभव से हमें समझ आएगा कि हर एक आत्मा का वो पार्ट आना ही है। अभी जो दिख रहा है इतना, जैसा भी दिख रहा है ना, पहली बात क्या पता एक तो वो हो भी ना, लेकिन चलो इसकी दृष्टिकोण से हमको दिख रहा है ये बहुत ही कोयला है ना, बहुत इनमें ये वाला है वो वाला है ना, क्या होना है, ये ऐसे ही चलना है ना। अनुभव से हमें पता है, नॉलेज से भी पता है, अनुभव से भी इसको पता कर लेंगे कि हर एक का ये पार्ट आना ही है, यही है प्रत्यक्ष का। जितना जितना हम सबको ये स्मृति है ना, जितना जितना हम सबको ये अनुभव है कि हर एक आत्मा का, मुझ आत्मा का ये पार्ट इमर्ज है ना हो रहा है, हो चुका है, और सबका ये पार्ट इमर्ज होना है, ये जितना जितना हम सबको ये होश है, प्रत्यक्षता का सीन शुरू हो जाएगा है ना, प्रत्यक्षता के सीन्स स्टार्ट हो जाएंगे। जितना ज्यादा आत्मा इस होश में आती है, जितना ज्यादा इस जागृति में आ रही है ना, अपने प्रति जागृति है, अपना भी पार्ट में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे ही चलेगा क्या ये? नहीं, ये होगा, ये उसी दिशा में जा रहा है, लेकिन उसी दिशा में जा रहा है, हमें हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है। हम साइलेंस का अनुभव करते हैं, हम जितना साइलेंस का अनुभव कर रहे हैं, ये तेजी है ना, अब वो ही तेजी ड्रामा में फिक्स्ड है वैसे तो, लेकिन कहने का भाव ये है कि जितना हम अपने घर का, अपने साथी के अनुभव में है, परमधाम में है, साइलेंस में है, उतना ये मन का मौन जल्दी आएगा। वरना फिर क्या होता है, वरना फिर बहुत ऐसा मजबूरी से ये पार्ट होगा, बहुत सारी कठिनाइयों, प्रॉब्लम्स, ये वो हा? सजाएं ऐसा वैसा, इससे फिर शुरू हो, उसमें क्या मजा। घर तो सभी बोलते हैं ना लोग, घर तो सभी को जाना है, हम क्यों करें ये ना, कोर्स में कभी पूछता ना कि सब सब आत्माओं को घर जाना है, तो हम में और कोई या किसी ने कुछ क्राइम किया है क्या अंतर है, सबको परमात्मा लेके जाएंगे ना, अंतर यही है कि बीच में कितना कुछ ना। तो इसीलिए अपना होश में आने का, खुद की जागृति से। चलिए, ओम शांति। यहाँ पर अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज दीदी को देंगे और फिर हम अनुभव में जाते हैं। कुछ पूछना है? ठीक है, फिक्स करा ना, कितनी बार करेंगे, कितनी बार ड्रिल करेंगे। हाँ, फिक्स इसको कर लीजिए, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट, ये नहीं मैटर करता है इतनी बार। बाबा कहते हैं 1 सेकंड का भी अनुभव, वो 24 घंटे से भी आप पूरे दिन ये मनन चिंतन करते रहो, इससे भी ज्यादा है अनुभव जो है, वो 1 सेकंड का भी हो ना, उससे ज्यादा है। ठीक है,